फ्रेंड्स, आज मैंने ना चार्ट पेपर से अपने बर्ड के लिए एक टॉय बनाया है। एक फ्रूट फॉर्क है जो खाली पड़ा रहता है आफ्टरनून, तो मैंने इसमें क्या किया है, थोड़े से सीड्स डाल रही हूँ तो उससे शायद वो इंगेज रहेगा। देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। तो ये एक्चुअली क्या, फ्रूट फॉर्क जो मेरा फ्रूट होल्डर है वो दोपहर के बाद खाली रहता है, तो मैंने सोचा चलो आज चार्ट पेपर मिला है मुझे, तो ये चार्ट पेपर से इसका कुछ टॉय बनाया जाए। तो वही मैंने ऐसा एक टॉय बना लिया, उसमें ढेर सारे सीड्स डाल दिए हैं। अब देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को, देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं इसको ले जा रही हूँ और केज में लगाती हूँ अपने ग्रे के, क्योंकि वो बहुत शौकीन है पेपर्स का, उसे बहुत मज़ा आता है पेपर काटने में। देखो सीड्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, अब मैंने केज में लगा दिया है। अब जो है वो देख रहा है, दूर से एग्जामिनेशन हो रहा है कि भई क्या चीज़ है। अब देखे जा रहा है, ये उतर के आया, इसने चेक किया कि ये आखिर है क्या चीज़ आज जो उसके केज में लग गई है। वहाँ से बैठा बैठा देख रहा है। और इसके बाद ये देखो, सबसे पहले आया टीटू। टीटू बहुत मस्तीखोर बच्चा है और इसने सबसे पहले इसने ट्राई किया कि आखिर है क्या चीज़। और बस अब स्टार्ट हो गए हैं हमारे मुगी जी। और देखो गाइस कितना इनको मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इनको खेलने में। तो एक कुछ नया था इनके लिए। और न्यूज़पेपर मैं वैसे देती नहीं हूँ बिल्कुल भी बर्ड्स को, मैं चार्ट पेपर देती हूँ या फिर मैं कार्डबोर्ड देती हूँ बिना प्रिंट वाला, ताकि इनको किसी तरह का कोई केमिकल इनकी बॉडी में ना जाए। तो कम्प्लीटली सेफ हैंडमेड टॉय, और आखिर इन्होंने मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर दिया, कितने मज़े से खेल रहे हैं। और भी देखते हैं, सीड्स इनको किसी को अभी तक मिला नहीं है। सीड मैंने ना इसके अंदर ही डाले थे लेकिन इनको मिले नहीं हैं। शायद टीटू को मिल गया है, टीटू खा रहा है आराम से बैठ के। लेकिन टीटू जो है ना बहुत ज़्यादा कैमरे के लिए जो होता है कि कब सामने आए और वो अपने पिक खिंचवाए। लेकिन अब ये देखो आप, मुगी को कितने मज़े कर रहा है, बहुत मज़े ले रहा है ये। और ये आ गया देखो ना, सीड खा के और ये सामने आ गए हैं कि मेरा पहले, मैं सामने आऊँगा। ये दोनों मज़े से खेल रहे हैं इसको। और फाइनली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। तो आप भी इसे अपने बर्ड्स के लिए ज़रूर ट्राई करिए। बाय बाय।